कोरोना महामारी વચ્ચે ગુરુવારે વર્ષ 2020 નો છેલ્લો દિવસ હતો। આ વર્ષે કોરોનાના કારણે યુવાધન નવા વર્ષને 2021 ને રંગે ચંગે વેલકમ કરી શક્યું નથી, પરંતુ શહેરના ફતેગંજ વિસ્તારની હોટલમાં યુવતીઓએ અનોખો ટેટુ પડાવીને ઉજવણી કરી હતી। યુવતીઓએ કોરોના વાયરસનું ટેટુ ઉપરાંત 2021ના ટેટુમાં માસ્ક અને કોરોનાની રસીનું ટેટુ યુવતીઓએ કરાવ્યું હતું। उल्लेखनीय है कि समग्र देश में कोरोना की महामारी ने कारण दर वर्षे थती 31st की उजवणी आ वर्षे थई शकी नथी। जो के लोकोए घर में रहीने ज 2020 ने बाय बाय अने 2021 ने वेलकम करी हतो, जो के युवाधने नवा वर्ष की अनोखी रीते उजवणी करी हती। दो हम चाइना संसार मिस इंडिया अर्थ मिस यूनाइटेड नेशन। मैं यही बोलना चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट हम इंटरनेशनल मॉडल ऑल्सो, तो वर्क तो कुछ हमारा हुआ नहीं क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोरोना, सब कुछ बंद था। और ये खाली मेरे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड पैंडेमिक है, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा रहा है कि लोगों का काम बंद हो गया और मोस्टली लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है। हेल्थ वाइज भी लोगों के जो बहुत प्यार करते थे वो भी उनसे दूर हो गए, और बहुत सारा मतलब इकोनॉमी डाउन हो गई, सब कुछ रहा। लेकिन हम अभी यही उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं होपफुली कि जो अभी हमारा 2021 आएगा वो हमारे लिए नई खुशियों के साथ आएगा और नई चीज़ों के साथ। हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 2020 ऐसा गया है तो हमारा 2021 भी इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर जब हम होप रखते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो गॉड भी हमारा साथ देता है और 2021 बहुत अच्छा हम सब के लिए रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और मिल के हम सबको इसके लिए फाइट करके लड़के खड़े रहना है। और मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है कि इसका सोल्यूशन हमारे पास ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा, और 2021 हमें मिलकर स्वागत करना चाहिए।